हमें हमारे 10,000 वापस चाहिए। ये पैसा ना तुम अपने मायके से लाओगी और ना ही इसे कमाने के लिए घर से बाहर कदम रखोगी। और अगले एक हफ्ते में तुमने हमारा पैसा नहीं लौटाया, तुम्हारी शक्ल हम इस घर में नहीं देखना चाहते। बेटा, मेरी सहेली यहाँ पास में ही रह रही है, आप कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ आंटी, बिल्कुल। वैसे एग्जैक्टली जा कहाँ रही है? वो महावीर बाग कॉलोनी है ना, यहीं पास में, शुक्ला निवास। उनके बेटे की नई नई शादी हुई है तो मैं बहू को देखने वहीं जा रही थी। रहने दो, अब मुझे भूख नहीं है। मान, अब नाटक मत करो, चुपचाप खा लो। अब भूमि बेटा ये लो, अब तुम इसे संभालो। माँ, मुझे मालिश नहीं करवानी। आपने पट्टियां कर दिया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मान, तुम चुप रहो। भूमि, इसकी बात मत मानना, ये तो कुछ भी कहता रहता है। मान, बेटा माँ हूँ तेरी, जानती हूँ कि जब भी तुम्हें इस तरह से बुखार होता है तो तुम सो नहीं पाते। बेटा, उसे मालिश कर देने दो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और थोड़ी देर के लिए सो पाओगे। आओ, चल उठ मान, मालिश करवा ले। आओ बेटा। जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? मैं तो बिल्कुल आजकल के जमाने के हिसाब से चलती हूं। अब देखिए ना, आजकल की दुनिया सिर्फ फोन में सिमट कर रह गई है। मुझे आपके बेटे की शादी के बारे में भी फ्रेंड बुक से ही पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के बधाई दे आऊं। जी, वैसे आपकी बहू को तैयार होने में बड़ा टाइम लगता है। जी, दरअसल बच्चों को किसी के घर खाने पे जाना है और इसीलिए उसको तैयार होने में थोड़ी देर लग गई, पर आप चिंता मत कीजिए, आती होगी। तो हाइप ही हो गई। गॉड, मेरी लाइफ है या कोई डेली सोप की स्टोरी? जिनको एसी बेचा उन्हें ही दादी जी की दोस्त होना जरूरी था क्या? बाबू, बाबू तुमने तो कहा था कि तुम रेडी हो, और अब प्रेसअप करने में इतना टाइम? बाबू, नीचे शर्मा आंटी आई है और तुमसे मिलना चाहती है। बेबी, 5 मिनट ना। बाबू, तुम पिछले आधे घंटे से यही बोल रही हो, तुम ठीक तो हो? हाँ वरुण, आती हूँ ना। हम न्यूली मैरिड कपल है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तुम चलो चलो, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सोच से भी सोच, सिर्फ 5 मिनट है। लगता है आपकी बहू बहुत मॉडर्न है और मेकअप को लेके एकदम स्ट्रिक्ट। अरे, आप लोगों ने भी यही वाला एसी खरीद लिया? कितने का पड़ा? जी, 36,000 का। यही तो फर्क है आप में और हम में। मैंने आज सुबह ही बेचो.com से यही वाला एसी खरीदा है, और वो भी 30,000 रुपए का। किसी भोली बच्ची का था। उनके सामने गई तो मेरा बैंड बजवा देंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आइडिया।
जानकी जी माँ जी सुरभि को बुला लो जी माँ जी मम्मी जी मैं आ गई आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है वरना आजकल के जमाने में इतना लंबा घूंघट कौन निकालता है सुरभि बेटा वहां क्यों खड़ी हो यहाँ आओ बैठो जी दादी अरे सुरभि अरे संभालो आराम से बैठ जानकी जी मुंह दिखाई तो करवा दीजिए जी सुरभि बेटा घूंघट उठाओ सुरभि घूंघट उठाओ नहीं दादी मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी यहाँ तो इतने सारे लोग हैं मुझे शर्म आती है सुरभि मिसेस शर्मा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। उन्हें मुंह दिखाई कर लेने दो फिर घूंघट ओढ़ लेना क्या एसी में प्रॉब्लम है मैं अभी आती हूँ माफ कीजिएगा जानकी जी मैं अभी चलती हूँ मुंह दिखाई बाद में कर लेंगे ऑनलाइन तो कुछ लेना ही बेकार है बेटा अब मुझे तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भूमि बहुत अच्छे से तेरा ध्यान रखेगी भगवान तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश रखे एक और बात अब भूमि को परेशान मत करना और वो जो भी कहेगी ना उसकी बात मानना मैं अभी आती हूँ बेटा माँ गई अपना ये नाटक बंद करो हटो यहां से अच्छा किया ना मैंने आपकी फ्रेंड आई थी तो मैंने इतना लंबा घूंघट डाल लिया ऐसे एक बात बताइए ये जो बहन जी टाइप बहुएं होती हैं यही करती है ना लेकिन इतना बड़ा घूंघट काटने तो नहीं कहा था हमने और इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने तैयार होने में दादी चिल अच्छे से तैयार होना था इसलिए इतना टाइम लग गया और मंदिर में क्या किया हमने जो जो बताया था किया कि नहीं हाँ दादी मैंने सब कुछ कर दिया पूजा फूल और नेवी वेवी सब कर लिया मैंने क्या आप ही ने तो कहा था ना दादी वो नेवी करके कुछ था ना कुछ नेवी वेवी करके नैवेद्य हाँ कर लिया नैवेद्य अब
नैवेद्य बोलना तो आ नहीं रहा तुमको, चढ़ाया क्या होगा? वरुण, अरे चलते हैं ना, घर पे टाइम पे भी आना है ना, चलो ना। लेकिन दादी को बताओ तो कैसे? मैंने बता दिया कैसे करें, चलो वरुण। जानकी, कैसी घुट्टी पिला दी इसे, हाँ? कि एक ही दिन में इसके तो तेवर बदल गए, पहले मंदिर, फिर इतना बड़ा घूंघट, कहाँ है ये सब? अंश, प्लीज, आपकी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे। मम्मी प्लीज, मुझ में इस वक्त तुमसे लड़ने की ताकत नहीं है, प्लीज ये फालतू के झगड़े मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो बस। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपका ख्याल रखना है। आप इतना तो मानते हैं ना कि आपकी शादी मुझसे हुई है, तो जब आप अपनी मन मर्जी से अपने पति होने के सारे फर्ज पूरे करते हैं, तो मुझे भी अपने पत्नी धर्म निभाने से आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं भी अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। आप ही मुझे इस घर में लाए थे ना, अगर अब आपको मेरे यहाँ होने से दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यहीं रहूंगी और यहीं रहकर आपका ख्याल रखूंगी। भूमि बेटा, अब मान की तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है माँ। पर ये क्या, लगता है मान का ख्याल रखते रखते तुम रात भर ठीक से सो नहीं पाई हो। जाओ अपने कमरे में और आराम करो, मैं मान और तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आपने कहा था ना, आज तक जो आप मान के लिए करती आ रही है, अब वो मुझे करना है,
प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मान के लिए नाश्ता मैं बना दूंगी। ठीक है, तुम नाश्ता बना लेना, मैं जाकर इनके सामान की तैयारी करती हूँ। आज इन्हें और इंदर को साइट पर भी जाना है ना, तुम जाओ। अच्छी नींद आई है, एसी तो अमेजिंग। वैसे बाबू, अब आपको हमेशा ऐसे ही नींद आने लगती है, बट प्लीज बहुत देर हो गई, उठ जाओ ना। अब इस घर की तरह मुझे यहाँ बेड नहीं मिलती। Really? Well, in that case, your wish is my command. Really? There you go. वैसे वरुण, इतनी प्यार से चाय लाए हो तो पिलाओगे नहीं? Of course, बाबू। Finally, मुझे वो लाइफ मिल रही है जो मैंने इमेजिन की थी। I just hope कि आगे इससे भी बेटर हो। जी आंटी, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम क्या कर रही हो, खड़े खड़े सो रही हो? मान का ख्याल रखते रखते तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी क्या? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें तो मान के पास होना चाहिए। हाँ आंटी, मैं उनके लिए। हमारा डिनर दो। आई डोंट वांट टू नो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मान के लिए ना नाश्ता बना रही है। मान का ख्याल रखते रखते ना रात भर खुद ही नहीं सोई है बेचारी। मैं तो कह रही थी कि जा जाकर आराम कर ले, पर ये मना कर रही है। हाँ लता दीदी, मैं भी तो वही कह रही थी, कितनी थकी थकी दिख रही है बेचारी। होमी बेटा, तुम जाओ और जाकर मान को नाश्ता करा दो और थोड़ा आराम भी कर लेना। अंश, नाश्ता कर लीजिए। अंश प्लीज दलिया खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हेलो। हाँ अब मैं ठीक हूँ, रात को बुखार भी उतर गया। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस आ रहा हूँ। या अंश, आज ऑफिस मत जाइए ना, आपको अभी भी वीकनेस है, ज़्यादा थकान हो गई तो फिर से बुखार आ जाएगा। अंश आप मुझसे गुस्सा है ना, तो अपनी हेल्थ पर क्यों उतार रहे हैं? आपको रेस्ट लेना चाहिए। अंश, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना
तो मैं लता आंटी से कह के बड़ी माँ से आपकी शिकायत करवा दूंगी। अच्छा तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? अरे तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हें तो आराम करना है। अब वो बड़ी माँ, एक्चुअली बात यह है कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए फाइल्स। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो चलो। बड़ी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज नए क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, वहाँ जाना बहुत जरूरी है, मुझे ऑफिस जाना ही होगा। मीटिंग दो तीन दिन बाद रख लेना, हमने मना किया है ना, आराम करो। कितनी मुश्किल से तुम्हारा बुखार उतरा है, अगर आराम नहीं करोगे तो फिर आ जाएगा। लेकिन बड़ी माँ इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। और अगर आज मैं इस मीटिंग में नहीं गया तो ये डील कैंसिल भी हो सकती है। देखो मान, अग्रिम और इंदर आज साइट पे गए हुए हैं, हमारा फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है, और इस तरह हम तुम्हें अकेले ऑफिस कैसे जाने दे सकते हैं? बड़ी माँ तो मैं भूमि को अपने साथ ले जाता हूँ।